Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस्लाम में और मोहम्मद साहब ने ऐसी बातें ही क्यों की है कि आज की तारीख में मुसलमानों को उसको डिफेंड करने की जरूरत पड़े। अगर एक जो ये क्लेम किया जाए कि वो अल्लाह का नबी है, रसूल है, तो उनके हर स्टेटमेंट इतने सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए था कि किसी भी उनके स्टेटमेंट को कोई तोड़ मरोड़ के या इस तरीके से पेश नहीं करना चाहिए था, या ऐसा उसमें ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था कि कोई इंसान उस पर उंगली उठा सके। लेकिन हम हर बार देखते हैं कि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है इस्लाम में और कई सारे ऐसी बातें हैं जिसपे उंगलियां उठती जाती है, और हमारे मुसलमान भाई इसको लेके काफी परेशान रहते हैं कि हम जवाब दे तो क्या दे। मैं काफी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ, काफी बीच में कटा भी हूँ मैं। अच्छा, बताइए फटाफट, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। जन्नतियों की आर्गुमेंट सुन सुन के मैं ही पक चुका हूँ बिल्कुल। आपकी अकल भी कम हो जाएगी अभी। एक्चुअली मैं आसाम मेघालय से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे एक रिवाज है औरतों के वहाँ पे घर जमाई जाते हैं। और एक घर नहीं, पूरा का पूरा स्टेट का ये रूल है कि हर कोई औरत के घर ही जाएगा, मर्द के घर पे कोई नहीं लाएगा, ठीक है। अरे वाह। हाँ। और मेघालय का सर्च कीजिएगा आप गूगल में, वहाँ पता लगेगा आपको कि आसाम जो नॉर्थ ईस्ट मेघालय में औरतों का वो जो मैरिज का जो रूल है, वहाँ पे औरत के घर पे घर जमाई जाते हैं, ठीक है। वो पूरा का पूरा स्टेट का ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज क्या है कि जो एक जन्नती बोल रहा था कि मर्द के घर पे औरत जाते हैं, औरत के घर पे मर्द नहीं जाता, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं आपको इंडिया में ही बता रहा हूँ कि मेघालय का पूरा स्टेट है और आसाम में भी ये रूल चलता है। दूसरा चीज, लोग भाग इतना मान के इतना ही मतलब अंधा हो जाता है कि यही एक फाइनल फुल एंड फाइनल रिलीजन है और इसके अलावा सारे बकवास। यही सबसे बड़ा मसला है। सर जी, आप फटाफट 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि हमारे साथ मोमिन भाई भी कोई जुड़ चुके हैं और वो डॉक्टर है, तो हम उनसे भी समझेंगे उनका क्या कहना है इस पे। हम मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सब बता देता हूँ क्योंकि देखो जिस तरह से आर्गुमेंट जो था कुरान पे औरतों को लेके आज डिस्कशन हो रही है, औरत की ताकत कम हो सकता है लेकिन अक्ल का कम कैसे हो सकता है। दूसरा चीज, गलत है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा चीज, जो कुरान पे जो यूटर्न मारा है मोहम्मद साहब ने कि कभी तुम 100 आदमी पे भारी पड़ोगे, कभी 10 आदमी पे भारी पड़ोगे, एक मोमिन 100 काफिरों पे भारी पड़ेगा, फिर बोलते 10 आदमी पे भारी पड़ेगा, ये क्या है ये? तो फिर लोग समझना नहीं चाहते, बस मानना चाहते, बस मान लो। मान लो, समझना नहीं है, ऐसा नहीं चलता। चलिए, शुक्रिया आपका बख्तियार जी, स्वागत है आपका, आदाब। क्या चाल है, ठीक है आप? ये जी, जी, मैं ठीक हूँ। यार बंदा क्या कहे, ये बंदा जो पहले आया था ये भी पठान था मेरे ख्याल में ना? पता नहीं, वो पाकिस्तान के थे लेकिन हाँ, ये पठान था। इसके लहजे से मुझे पता चलता है कि ये पठान था। बस ये खुदा के मददगार बने हैं कहाँ से, ये जैसे खुदा खुद किसी काम का नहीं है, बस ये सारे उनके हेल्पर है, किसी मोहम्मद के हेल्पर है, कोई मोहम्मद की हेल्पर है, कोई अल्लाह की हेल्पर है, क्या करे इन लोगों का बंदा जी। अच्छा, आप मतलब में रहिए एबी जी। हाँ। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम शायद नाम है उनका, आपका स्वागत है सर। मेरा नाम नहीं बोलते तो अच्छा था। अच्छा, माफी चाहता हूँ, असल में वहाँ दिखता है। अच्छा, मैं ठीक है, आप देख सकते हैं शायद। ठीक है, बताइए सर, डॉक्टर है क्या आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जी हम लोग ह्यूमन बॉडी को ज्यादा स्टडी करते हैं ना, हम लोग डॉक्टर्स। जी, तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम लोग पूरा ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करके जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, डेड बॉडीज को, और उसके साथ हम लोग उसका फंक्शनिंग के बारे में फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं,
उसके डिसीजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमें आइडिया होता है कि मेल और फीमेल जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, कि लेडी का जो ब्रेन जो है क्या कम होता है इस तरह बोल के साइज के हिसाब से। जी जी, हमारे मेरे तजुर्बे के हिसाब से या हमारे मेडिकल स्टडी के हिसाब से जो है कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, साइज में भी डिफरेंस नहीं होता है? बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका साइज होता है बस। मतलब अच्छा, जैसे अच्छा। कि आपने एक ट्रक का स्पेयर पार्ट ले लिया और एक कार का स्पेयर पार्ट ले लिया, कार के हिसाब से कार का स्पेयर पार्ट होता है और ट्रक के हिसाब से, क्योंकि नेचुरली जो है मेल और फीमेल में थोड़ा हाइट में और साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो दैट इज बाय नेचर। तो उसके हिसाब से हो सकता है, मगर जो फंक्शन के हिसाब से तो नहीं होगा ना जी। फंक्शन के हिसाब से तो चेंजेस नहीं आएगा ना उसमें, इंटेलिजेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन के हिसाब से तो कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारे मोमिन भाई क्यों नहीं समझते है? जी, इनफैक्ट लेडी जो है वो मल्टीटास्किंग है, मैन जो है बस वो बाहर जाता है, काम करता है, कमा के लाता है। औरत कितने काम संभालती है आप ही अंदाजा लगाइए। लेडी जो है घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, पकवान करती हैं, अगर इफ शी इज ए प्रोफेशनल शील गो एंड वर्क आउटसाइड आल्सो, तो इसमें किसका ब्रेन ज्यादा काम करता है? तो ये हमारे मोमिन भाई लोग क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को? जी, उनका ब्रेन वॉश पता है ना बचपन से, कि उन्होंने कहा है तो बस ये वही है। तो वो उस तरह उनका जो ब्रॉट अप ऐसे होता है, उनको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन नहीं है और उनका ब्रेन वॉश हुआ होता है बचपन से इसी वे में, तो फिर वो वही बिलीव करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सामने एक फोर्ब्स जैसी इसमें आर्टिकल सामने है कि डिकेड्स की सर्च है और उसमें लिख रहा है अनइक्विवोकली, जैसा वो जाकिर नायक बोलता है ना, गिव मी वन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट फ्रॉम बाइबल, वैसे इधर अनइक्विवोकली लिखा है कि औरत और मर्द और जो औरत है या महिला है उनके इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये सामने देख के भी कैसे इनकार कर सकते हैं लोग, वो समझ में नहीं आता। एक-एक उसमें एक्सक्यूजेस और एक-एक ऐसे-ऐसे लॉजिक के आदमी अपना सर फोड़ ले। उनके आर्गुमेंट में कोई पॉइंट नहीं है, वो पूरा जो है बस उनका जो बिलीफ है, उनको बताया गया था कि इन्होंने कहा है तो यही सही है, बाकी 100% सही होगा। जी जी, इसी तरह से जो है वो आपसे आर्ग्यू कर रहे थे, मगर उसमें कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जी बोलिए। जी जी, मैं ये बोल रहा था, इसमें साथ में मैंने ये भी उनको एक चीज बताया कि मोहम्मद साहब जो है दुनियावी मामले में जो वो हदीस थी खजूर के मामले में कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे, तो वहाँ ये बात भी अपने को सामने आ जाती है कि वो जरूरी नहीं कि जो मोहम्मद साहब बोले वो सब सही, उनकी गलती भी है सामने। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, फिजिकली मैन इसलिए स्ट्रांग होता है कि दो टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन मेल में जो है टेस्टोस्टेरॉन का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है जी, सही। और फीमेल में जो है ईस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल को जो है रिप्रोडक्शन करना है, ईस्ट्रोजन का नेचर क्या है कि वो मसल को ज्यादा स्ट्रांग होने नहीं देता, ज्यादा बढ़ने नहीं देता। इसीलिए जो ये ट्रांससेक्सुअल्स होते हैं ना, जो जेंट के सर के होते हैं मगर वो अपने आप को लेडी के सर का बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ईस्ट्रोजन दिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट जैसे कि लेडी के जैसे बनते जाते हैं, उनमें जो है बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये हार्मोन्स के वजह से जो है टेस्टोस्टेरॉन जो है मसल मास को बढ़ाता है जी, इसी वजह से जो है। एक ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, उसी तरह जैसे आपने मेल का फीमेल बताया, उसी तरीके से जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स है वो भी जब वो उनका कंपटीशन होता है तो मसल गेन करने के लिए वो टेस्टोस्टेरॉन शॉट्स लेते हैं। हाँ सही बात है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तभी वो मसल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। हाँ जी, तो ये तो सब पूरा साइंस का खेल है। ये सब साइंस का खेल है, ये इसका मतलब ये नहीं कि लेडी वीक है और जेंट जो है स्ट्रांग है, वो नेचर ने ऐसा बनाया है, उनको जो है डिवाइड किया हुआ है अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से।
वो हार्मोन्स उनको उस तरह रखते हैं, बस यही डिफरेंस। लेकिन ये हार्मोन से डॉक्टर साहब, ये हार्मोन से लेकिन इंटेलिजेंस पे तो इफेक्ट नहीं आता है ना, ये आप नहीं, नहीं, नहीं। इंटेलिजेंस पे इसका कोई असर नहीं होता। इंटेलिजेंस के पार्ट्स जो ब्रेन में होते हैं वो टोटली डिफरेंट है। वो जो टेम्पोरल लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम, ये जो पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, जो अलग अलग हिस्से होते हैं जी, वहां पे न्यूरॉन्स जी, न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, उसमें जो है एक नेटवर्क के जैसा फॉर्म होता है। एक्चुअली ह्यूमन का ब्रेन क्या है, आप उसको जितना यूज करेंगे उसमें नेटवर्क उतना बढ़ता है, जैसे कि शार्प होते जाएगा। हाँ, वो जितना सेल्स के कनेक्शंस बढ़ेंगे उसका उसका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। तो वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर यूजिंग अवर ब्रेन, हम अपने ब्रेन को कितना यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक्सपोजर कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है इंसान का जो ऑटोमेटिकली इनसाइट जो है वो नेटवर्क जो है बढ़ता जाता है, तो फिर उसकी मेमोरी, उसका इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो बढ़ता जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, आप है ना लाइन पे ही रहिए, आप इसमें स्टूडियो में ही रहिए, स्ट्रीम में ही रहिए, हम दूसरे मोमिन को भी ले लेते हैं अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से अगर वो बोलेगा तो आप उनको जरा बताना, हो सकता है क्योंकि आप डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, स्टडी कर चुके, तो शायद आपकी बात दिमाग में घुस जाए। मोमिन्स के ब्रेन के अराउंड कुराइन की लेयरिंग लग जाती है, इसलिए उस लेयरिंग से उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता है। भाई हैव सम सिंपैथी विद मोमिन्स। अब वो लेयरिंग को अब हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि वो लेयरिंग को किस तरीके से डिजोल्व की जाए ताकि इंटेलिजेंट बातें जो है उनके दिमाग में घुसे हमारे मोमिन भाइयों के। जी हसन भाई, स्वागत है आपका स्ट्रीम में। भाई मेरा थोड़ा सा, मैं जैसे जो ये हदीस आप बता रहे हो ना जी जी, ये हदीस आके पहले तो मैं बताता हूँ करके, मेरा आके पूरा ईमान आके हदीस पे नहीं है। अच्छा, मैं अपना व्यू बताता हूँ क्यों क्यों ये हदीस आके बहुत ही कमजोर रिवायत है इसकी, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, अगर रीजन आपको लगे तो फिर मैं आगे बात और करूंगा। देखो सर, जैसे आप बता रहे रसूल अल्लाह जहन्नम का नजारा देखते हैं, राइट। अभी देखिए कहीं पर भी कुरान में आके ये नहीं बताया है करके, जब तक फैसला नहीं होगा जजमेंट डे का, उससे पहले कोई भी जहन्नम में नहीं जा सकता। जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक कोई जहन्नम नहीं जाएगा। जब कोई जहन्नम गया ही नहीं है तो उन्होंने कैसे नजारा देख लिया, ठीक है। तो लॉजिकली ये हदीस बकवास है, जैसे मेजोरिटी ऑफ द हदीस आर बकवास, ठीक है। ये रिवायतों में लोगों ने बड़बड़ करने लगे और बाद में जो लिखा पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश करी बुखारी ने, मुस्लिम ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो खुद भी प्रीफेस में बताते हैं करके, जहां तक हमारी जाती है जो भी उस टाइम पे वो जो भी गैदर कर सकते थे बस उन्होंने कंपाइल्ड करके लिखा है। ये वो कभी दावा नहीं करते कि इसमें जो भी कुछ है हमने हमको यकीन से हम सही कह सकते हैं, तो इट वाज जस्ट ए कंपाइल किया उन्होंने, ठीक है। अच्छा लेकिन तो हसन भाई बोलिए बोलिए हसन भाई, अगर लेकिन ये कुरान में भी अगर है कि औरतों की गवाही जो है मर्द के मुकाबले में आती है, और जो कि ये हदीस में भी कहा गया है, तो कुरान भी तो इसी तरीके की बात कर रहा है। नहीं देखो गवाही का मामला टोटली डिफरेंट हो जाता है। नहीं उसकी वजह उसकी वजह बताई गई कि वो भूल जाती है। नहीं सुनिए ना, नहीं कुरान में वजह नहीं बताया। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है भूल जाती है करके नहीं है। नहीं नहीं भूल जाती करके नहीं है। खैर हाँ सर मैं आयत देख लेता हूँ। हाँ मैं देख लीजिए, देख लेता हूँ, देख लीजिए। जाकिर नायक भी मेडिकल डॉक्टर है, वैसे तो वो बहुत भारी वाले मेडिकल डॉक्टर है। तो ये भी जैसे पिछले कॉलर थे वो कह रहे थे साइंस तो बदलता रहता है और ये डिस्प्रूव हो सकता है आगे चल के और ये और वो, लेकिन जब जाकिर नायक मेडिकल्स दिखाता है कुरान में साइंस के, तब कोई मोमिन नहीं कहता कि ये भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो मतलब वहां पे उनका रवैया अलग होता है, यहाँ पे इनका रवैया अलग है। अच्छा ये सूरह बकरा की हसन भाई, सूरह बकरा की हाँ आयत नंबर 282 है। हाँ इसमें देखिए, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है कि अगर इनमें से एक भूल जाए
तो इनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी इसे याद दिलाएगी, भूलने का जिक्र है उधर, आप देख लीजिए, आप बोल रहे थे भूलने का नहीं है, तो नहीं, जो ये वजह बताई गई है, एक मिनट मेरे सवाल सुन लीजिए आप, अगर अगर एक औरत भूल सकती है तो एक मर्द भी भूल सकता है, तो दोनों के लिए भूलना तो ये नहीं है ना कि औरत है तो ही भूलेगी, मर्द भी भूल सकता है, तो औरतों के लिए ये क्राइटेरिया क्यों रखा कि दो गवाह चाहिए? वो जो भूल जाना ना वो मेमोरी लॉस वाला भूल जाना नहीं होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, देखिए जो मेमोरी लॉस वाला भूल जाना होता है ना, तो अगर आप उसको याद दिलाते हो तो उसको याद नहीं आता, जो मेमोरी लॉस वाला होता है। मेमोरी लॉस की बात नहीं कर रहा भाई, मर्द भी नॉर्मल भूल सकता है, औरत भी नॉर्मल भूल सकती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भूलने में। नहीं नहीं वैसा भूल जाना, देखिए नहीं नहीं मैं आपको एक थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। मान लीजिए आप एक केस के लिए आप कोर्ट में गए हैं, अब जब आप वहां पे कोर्ट में गए हैं तो आपको पता है कि किस लिए गए हैं, राइट? आप वो मामला भूल नहीं सकते, तो यहाँ पे जो भूलने का अल्फाज है ना, तो आप उसमें वो जो दिमाग से मेमोरी इरेज होती है वो भूलना मत लीजिए इसको। मैं वो भूलना नहीं ले रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी भूलना है, जैसे एक औरत वो चीज को भूल सकती है वैसे मर्द भी वो चीज को भूल सकता है, इधर औरतों के लिए फिर एक अलग क्राइटेरिया क्यों बना दिया गया? वही सर, दो दो जो आदमी है ना, एक आदमी की गवाही क्यों नहीं है, दो आदमियों की गवाही क्यों है? बोलिए क्या बोल रहे हो? एक आदमी की गवाही क्यों है, दो आदमी की गवाही क्यों है, एक आदमी की गवाही काफी नहीं है क्या? ठीक है, नहीं आप कहना क्या चाहिए, इसको जो मेरा एतराज है उससे आप किस तरीके से जोड़ रहे हो वो बताइए आप। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, जो भूलना, आप देखिए अगर मेरे को कोर्ट में आके समन आया है और मैं कोर्ट में वहां पर जाता हूँ, तो बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं कोर्ट में, मुझे मालूम है किस लिए मुझे बुलाया गया है, तो वहां पे भूलने वाला मैटर आके जो आप समझ रहे हैं वो भूल नहीं है, तो ये आप समझने के लिए मेरे को ईमान के चैप्टर में जाना पड़ेगा। एक मिनट सर, आपको अगर कोर्ट में बुलाया जा रहा है या आप औरत को भी कोर्ट में बुलाया जा रहा है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, तो दोनों को मालूम होगा, हाँ हाँ गवाही की बात कर रहा, तो दोनों को मालूम होगा कि हमको क्या बोलना है उधर, किस बारे में बात हो रही है, सही बात है। अब जब यहाँ औरत की बात आ रही है तो दो औरत क्यों चाहिए एक मर्द के मुकाबले में? भाई मेरे दो मर्द ही चाहिए, अगर मर्द, नहीं नहीं सुनो आदमी भी दो चाहिए, दो आदमी चाहिए, लेकिन जब एक आदमी हो तो उसके साथ फिर दो औरत चाहिए, एक औरत क्यों नहीं हो सकती है इधर साइड के लिए? आप समझे मेरी बात, दो मर्द चाहिए, दो गवाह चाहिए, बराबर, दो मर्द इधर साइड के लिए। अब हाँ भाई मेरी बात सुनो, बात यह है कि दो मर्द, दो लोगों की गवाही चाहिए, उसमें या तो दो मर्द होंगे और अगर सिर्फ एक मर्द अवेलेबल है, ठीक है, तो दो औरत उसके साथ चाहिए प्लस दो औरत, एक औरत भी तो गवाही दे सकती है ना अगर मर्द भूल जाए तो। अच्छा, समझ रहे आप बात? नहीं समझे अपना, देखियो आपको इंडियन लॉस पता है सर? सर मैं इंडियन लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताया, मैं वही बोल रहा हूँ साहिल भाई, राइट साहिल भाई, राइट, हाँ साहिल बोलिए। साहिल देखो साहिल भाई, देखो मैं अगर ईमान के मैटर में जाऊंगा ना, आपको ईमान नहीं, आप यकीन नहीं करते, ठीक है, तो अब वो चैप्टर में जाके मैं आपको समझाऊंगा तो उसी तरीके से समझा सकता हूँ, राइट? किस तरीके से समझाओगे ये बताओ। ईमान जो, देखो ये देखो, जब आप कुरान की बात करोगे ना वो ईमान के मैटर पे आ जाते, राइट, ठीक है, लेकिन आप, वो बात कैसे सही है? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, वो ईमान के दायरे में आके ही सही हो सकती है, बहुत सी बात नॉर्मली। अरे सर मतलब ईमान को हटा दो तो आप मानते हो कि ये बात सही नहीं है? तो मेरे भाई ये तो जिसको ईमान है उसी के लिए तो कुरान है, जिसके नहीं है तो उसके लिए तो है ही नहीं ना कुरान, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि, एक मिनट आप इसके लिए मान रहे हैं क्योंकि आपका ईमान है, इसके लिए आप गलत को भी सही मान लोगे? नहीं गलत है ही नहीं ना उसमें, मैं तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरीके से गलत नहीं, आप ईमान को भी बाजू में रखो। एक मिनट कितना बेटर है, मैं बोलता हूँ क्यों मालूम है, अगर आप एक लॉ, अभी अगर आप एक मान लो अभी आप इंडिया में हो, राइट, इंडिया के लॉस को अगर आप फॉलो करते हो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो उसमें जो गवाही होती है ना पीछे, जो दो दो जनों की गवाही होती है ना, तो उसमें आके कोई भी रिलेटिव नहीं हो सकता, ये आपको पता है?
ठीक है, उसमें जेंडर स्पेसिफिसिटी, जेंडर स्पेसिफिक है क्या वो? रिलेटिव्स का छोड़ दो, नहीं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर जेंडर स्पेसिफिक क्यों है, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मेरा और आप, यार जेंडर स्पेसिफिक आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हो मेरा भाई, आप क्यों? कुरान जो है, एक मिनट, कुरान, कुरान 1400 साल पहले के लिए था कि कयामत तक के लिए? कयामत तक के लिए ही है बेशक, उसमें वो दीन, देखो ये बात है मेरे भाई, वो दीन का जो टॉपिक है ना, देखो एक दीन का टॉपिक है, कुरान के अंदर दो टॉपिक है, एक दीनी टॉपिक है और एक दुनियाई मैटर है, ठीक है? तो दुनियाई मैटर आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? दुनियाई मैटर नहीं, नहीं, दुनियावी मैटर भी है, उसको आके मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज आके देखो, आज आके दुनियाई मैटर आपके, आपको हम आके जैसे इंडिया में हमको इन लॉस की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो वो कम मोर और लेस इट इज जस्ट इक्वल टू दैट, क्योंकि आज देखो फोटो का है, आज आके आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सामने वाला आदमी मुकर ही नहीं सकता, आज आज के क्राइटेरिया दूसरे हैं, वो जमाने के डिफरेंट है, आउटडेटेड है ना वो आज की तारीख में, आउटडेटेड, देखो आउटडेटेड कैसे, आप मतलब कैसे, देखो आप अगर वो बोला आज के हिसाब से आउटडेटेड है ना, आज के हिसाब से आउटडेटेड, मैं कैसे बोलो, मतलब नहीं नहीं ठीक है, आपने बात आ रहा, मैं आपने कुछ नहीं, एक नहीं, आपने, आपने बोला कि वो जमाने में जो जो हिसाब था उस हिसाब से वो चीज बताई गई, देयर आर बेटर थिंग्स टू डू नाउ, मैं वो बोलना चाह रहा हूं आपको, तो ये आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूं, नहीं यार वहां पे कैमरा ही नहीं था तो मेरे भाई कैसे बात कर रहे हो आप, तो यही बोल रहा हूँ ना कि आज की तारीख में आउटडेटेड है ना, ये कैसा है मालूम है, ये कैसी बात है मालूम, अगर आइंस्टाइन था, आप आज का साइंटिस्ट से आप कंपेयर करोगे तो आइंस्टाइन की बहुत कम अक्कल थी, क्योंकि आज के साइंटिस्ट के पास इतने बड़े बड़े गैजेट्स हैं, इतना है वो अर्थ का सम, आइंस्टाइन उस बेस पे आप आके बोलोगे कि आइंस्टाइन आउटडेटेड था करके नहीं बोल सकते, नहीं देखो अल्लाह भी, देखो अल्लाह भी आते जो आपके पास हाथ में कर रहे सर, नहीं नहीं देखो जो आपके पास, अल्लाह कोई मैजिशियन नहीं है, नहीं पहले आप समझिए, देखो कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि अल्लाह कोई मैजिशियन नहीं है, अल्लाह को लास्ट तक का इल्म है, शुरुआत से लेके अंत तक का सबका इल्म है अल्लाह को, आइंस्टाइन की क्या नहीं है, ऐसा दावा नहीं है कुरान में, क्या दावा नहीं है, अल्लाह हर चीज को जानता है, अल्लाह देखो हर चीज को जानता है, जो जमीनों में है और जो आसमानों में है उसको, तो ये जमीन में नहीं है, ये दावा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो ना अंत तक का, मतलब वो कोई खैर मैं वो बोलता हूँ अभी वो आके जमीन और आसमान अंत तक, अच्छा एक बात बताइए, जमीन और आसमान अंदर की बात मेरे भाई, हाँ जो जो वो अपनी मखलूक की बात कर रहा है वहां पर, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि साहिल ऐसा करने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, वो सबको उसने फ्री छोड़ दिया, मैं कोई मोमिन आके कोई स्पेशल बंदा नहीं है अल्लाह का, और ना कोई आके साहिल आके स्पेशल बंदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो बस मतलब आप उसको मुसलमान से, अल्लाह आके कोई प्राइवेट मुसलमान का नहीं है, आप ऐसा मत समझो, मतलब अल्लाह तो मोमिनों का है भाई, नहीं 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 अल्लाह ऐसा नहीं है यार, वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, अल्लाह सब ऐसा समझ, अल्लाह एक मिनट, क्योंकि अल्लाह अगर पूरा कुरान, हां चलो टॉपिक पे रहते हैं, लेकिन मैं देखो हदीस में आ रहा था ना पहले, मैं तो लॉजिकली मैं समझा रहा था, जो मैं हदीस को बाजू में कर दिया, मैंने आपके कुरान से बताया, उसमें भी वही चीज है जो हदीस में है, नहीं वो चीज नहीं है यार, अब जैसे अब समझ लो, जैसे माइनर समझते हैं औरतों को, ठीक है माइनर समझते हो, माइनर समझा जाता है ये समझ लो आप, पूरा इस्लाम के कल्चर में समझ लो, क्योंकि आके बहुत ज्यादा पावर रखता है आदमी अपनी औरत के ऊपर, उससे कभी भी झूठ बुलवा सकता है, हर माशरे में नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अभी भी हमारा सब कॉन्टिनेंट का है ना, आप गवाही को लेके बात करो ना सर, आप यहाँ वहां क्यों गवाही की बात कर रहा हूँ, मैं गवाही की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको गवाही की बात कर रहा हूँ, नहीं बता रहे हो ना गवाही की बात, एक मर्द और दो औरत क्यों चाहिए वो बताइए, इस पे कुछ है आपके पास में तो दूसरे कॉलर को लेते हैं सर, देखो इस्लाम में हाँ जो जैसे आपको बता ना, एक औरत जो होती है ना, जैसे आज के जमाने में एक औरत जाके आप, जैसे तुम्हारी कोई दोस्त है उसको आप गवाह बना सकते हो ना,
इस्लाम के कल्चर में वैसा नहीं है, उसके ऊपर उसका तो हस्बैंड बोल रहा हूँ हस्बैंड के हस्बैंड नहीं, वो आपकी सोच रख सकते हो आप, उसमें कोई डाउट नहीं है यार, आप कुछ भी बोल सकते हो सर। आप भी तो मान रहे हो ना इस चीज को कि आज की तारीख के हिसाब से वो कंपेटेबल नहीं बैठता है यार, वो जो चीज वहाँ पे मौजूद ही नहीं है ना, वो जब वो चीज वहाँ पे मौजूद ही नहीं ना, उस चीज की आप बात करोगे तो फिर मैं आज से अगर कंपेयर करूँ इस्लाम को तो वो कंपेटिबल नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज ये दीन का मैटर ही नहीं है ना, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ ना, ये दीन का मैटर ही नहीं है। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो 1400 साल पहले के लिए था ना। वही मेरे भाई देखो, आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो मेरे को, मैं आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला जाता हूँ, कोई मुसलमान उसपे दावा ही नहीं करता है ना। देखो मैटर सिर्फ आके दीन का और दुनिया का है, राइट। हम कभी ये नहीं बोल रहे ना कि औरत की गवाही नहीं लेंगे, इंडिया के अंदर नहीं ले रहे हैं क्या कोई मुसलमान को किसी को शक है क्या? बोल रहा है ना आपका कुरान बोल रहा है, अगर शरीयत किधर नाफिस हो जाए, एक मिनट हसन भाई, अगर शरीयत जहां नाफिस हो जाए तो कुरान के उसूल के मुताबिक वहां पे एक मर्द है तो उसके साथ दो औरत गवाह चाहिए, एक औरत की गवाही नहीं चलेगी। आप वो समझो ना यार, देखो एक औरत और एक आदमी, सुनो एक औरत है और आदमी है, मैं समझ लो मियां और मेरी बीवी आके वहां पे गवाही दे रहे हैं, वहां पर आप लिखा पढ़ी का जो सिस्टम रहता था ना वो अलग तौर का है, आज का जो सिस्टम है वो अलग तौर का है सर। तो देखो इसीलिए बोल रहा हूं, एक मिनट गवाही देता हूं भाई, रिटर्न गवाही नहीं, आप समझो ये रिटर्न गवाही नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि वो आउटडेटेड सिस्टम है, आउटडेटेड है। एक बार बोल दो बात खत्म हो जाएगी, आज की तारीख में अप्लाई नहीं किया जा सकता, इतना बोल दो बात खत्म हो जाएगी। है ही नहीं ना, वो तो पूरे पूरी सब लोग ही मान ही रहे ना यार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप एक बार बोल दो मुंह से कि आउटडेटेड है। अरे अगर शरीयत भी आ जाती है, उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, उससे बेटर हाथ कैमरा है, मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, उससे बेटर ऑप्शन है। एक मिनट सर, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक पहले के जमाने में लोग ऊंट में सफर करते थे, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, आप हज के लिए भी जाने के लिए लोग ऊंट पे सवारी करके आते थे। आज जो है, आज जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे, तो ऊंट पे जाना ये आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ? आउटडेटेड क्यों हुआ सर? किसी को जाना तो आज भी कोई बाइक पे जा रहा है, मैं खुद सर यहाँ से नहीं मैं ऊंट की बात कर रहा हूँ। अरे ऊंट की बात कर रहा हूँ सर, ऊंट आप ऊंट पे जाओगे क्या हज पे, हज के लिए यहाँ से? मैं तो यार मेरा चॉइसेस, अगर मुझे बाइक पे जाने मिले तो मैं बाइक पे चला जाऊँ। बाइक में जाओगे ना, ऊंट पे जाओगे क्या? अगर आप आरामदेह बोलोगे तो मैं तो फ्लाइट को ही पकड़ूंगा, सबसे आरामदेह। हाँ यही हम भी कह रहे हैं, तो ऊंट पे जाना आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई, तो पूरी उम्मत में कोई भी एक आदमी ऐसा उठ के आज बोल रहा है क्या इंडिया के? ऐसा हम कानून नहीं मानेंगे क्या यहाँ पर आके औरत की गवाही ले रहे? ऐसा आप नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप साहिल भाई मेरी एक बात समझो, आप देखो साहिल भाई मेरी एक बात समझ गए भाई, आप ये मतलब ये दबी सी आवाज में कहना चाह रहे हो आप कि ये एक आउटडेटेड सिस्टम है, लेकिन अब मसला ये है कि आप उसको जबान से नहीं कह सकते क्योंकि वो गुस्ताखी हो जाएगी और इस्लाम जो है फिर वो ठप हो जाएगा, क्योंकि कुरान जो है वो कुरान जो है कयामत तक के लिए। भाई आपकी सोच गलत है मेरे भाई, दुनिया को जो सिस्टम दिया है ना गवाही का, ये कुरान ने ही दिया, उससे पहले कहाँ थी? तो ये आउटडेटेड है ना, आउटडेटेड है ना, लेकिन कौन मान रहा है? पूरा जितना भी सिस्टम है वो पूरा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कुरान हाथ से लिखा जा रहा था, आज प्रिंटिंग कर रहे हैं लोग, अब आप बोलोगे वो आउटडेटेड था कि ये आउटडेटेड था? आपकी नहीं, आपकी आपकी आर्ग्यूमेंट्स आ गई है, मेरे को लगता है कि और इस पे आगे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया, आप अपनी बात रखे, लोगों ने समझा कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, आपका शुक्रिया। हम किसी और मोमिन भाई का भी देखते हैं उनके पास, क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट बहुत अलग थी, इससे पहले जो आए उनकी आर्ग्यूमेंट अलग थी, उससे पहले जो आए हर किसी ने एक टोटली अलग अलग आर्ग्यूमेंट में बात की। इसके लिए हम अलग अलग मोमिनों को मौका देते हैं कि हो सकता कोई तो ऐसा मोमिन आ जाएगा जिसका आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग होगा कि हम कन्विंस हो जाए या हमारे कम से कम दर्शक कन्विंस हो जाए। शुक्रिया आपका हसन भाई। डॉक्टर साहब, हाँ जी बोलिए साहिल साहब, आपका क्या विचार है इनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, फिर मैं दूसरे किसी को भी ले लेता हूँ। नहीं, इनको मैं क्या जवाब दूं इसका, ये तो मेडिकल मेडिकल चीज नहीं है, तो आपको और आप लोग जो है पूरा स्टडी करके है, आप लोग आयते निकाल रहे हैं सूरह अल बकरा वगैरह, इसी नहीं वो हदीस से बचना चाह रहे थे,
असल में वो हदीस से बचना चाह रहे थे, तो मैंने उनको बोला ठीक है चलो हदीस से बचो, कुरान को ही पकड़ लेते फिर उसमें भी, क्योंकि वही बात है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि दो जन की गवाही चाहिए, ठीक है जी। तो वो हाँ। दो जन की गवाही जेंडर स्पेसिफिक क्यों है? यानी अगर दो मर्द है और अगर एक ही मर्द है तो फिर जो दूसरा मर्द है उसके बदले दो औरत चाहिए जी। मैं औरत जी बिल्कुल समझ गया आपका सवाल, मैं वो भी समझ रहे थे मगर वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बोल रहे हैं कि एक 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 आदमी के बदले में दो औरतों को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये क्वेश्चन है आपका जी। एक आदमी के बदले में अगर एक औरत होती तो आपको इतराज नहीं रहता था? नहीं होता, एक औरत एक आदमी खत्म हो जाती बात, सिर्फ बोलते दो गवाह चाहिए। हाँ दो औरतें इसलिए बोला गया है कि आपका ये एस्टिमेशन है कि औरत का दिमाग जो है कम होता है इसी हाँ, उन्होंने दो को रखा है बराबर। और उसमें वजह भी तो बताइए, सबसे पहले तो इनको पहले ये मालूम नहीं था कि उसमें भूल जाने का अल्फाज भी है, लफ्ज भी है। अच्छा पहले अच्छा। आप पहले उन्होंने बोला कि भूल जाना नहीं लिखा है, फिर मैंने बताया उधर के लिखा है भूल जाना। अच्छा 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 तो जी वो कोई आदमी भी भूल सकता है, औरत भी भूल सकती है। आदमी भी भूल सकता है, औरत भी भूल सकती है। इसमें स्पेसिफिकली औरत को ही भूलने का मतलब हर चीज जो है दिखाया जा रहा है कि औरत कमतर है, फीमेल कमतर है, फीमेल कमतर है, महिला कमतर है, हर एक चीज में। ये जो पूरा मोहम्मद साहब का जो और इस्लाम का जो तरीका है वो किसी ना किसी तरीके से जो महिला है उनको नीचे ही दिखाना देख रहे हर जगह जी। जी महिलाओं को मारो, महिला जहन्नम में जी। सही है मगर कोई बड़े आलिम से जो है आपका डिस्कशन हुआ तो शायद आपको सही जवाब मिल सकता है। डॉक्टर साहब हम तो चाहते हैं कि कोई आलिम आए और हमारे इस डाउट को क्लियर करे, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या होगा मालूम है क्या, अब अगर आलिम हमारे पास नहीं आए और उन्होंने ये क्लेरिफाई नहीं किया तो जो आम आवाम मुसलमानों की सुनेगी तो उसमें से कई लोग हमारे जैसे हो जाएंगे जी। सही बात है। आप क्या जी बोलिए, बताए नहीं आपके बारे में कि आप मतलब मोमिन हो या फिर हमारे जैसे हो जी। वो कश्मकश जो है वो चलती रहती है। अच्छा वो बचपन से शुरू हो गई है, जब से मैंने मेरा एजुकेशन शुरू हो गया है तब से दिमाग में जो है वो चलता रहता है, हम लोग उसको दबाते रहते हैं।